छत्तीसगढ़ सरकार के सख्ती के बाद एक अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर बिलासपुर पुलिस के हत्थे चढ़ा है। कार में गांजा तस्करी करते पुलिस ने आरोपी तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी तस्कर ओडिशा से राजस्थान गांजा की तस्करी कर रहा था। आरोपी तस्कर से 101 किलो गांजा सहित 21 लाख का माल जब्त किया गया है। NDPS एक्ट के तहत आरोपी तस्कर के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। दरअसल बीते दिनों सरकार ने नशे के कारोबार पर सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद से पुलिस ने नशे के सिंडिकेट पर एक्शन के प्रयास में थी। इसी कड़ी में रतनपुर पुलिस को सूचना मिली थी कि ओडिशा से गांजा लेकर बिलासपुर के रास्ते तस्कर गांजा की तस्करी कर रहे हैं। पुलिस ने चेकिंग प्वाइंट लगाकर वाहनों की जाँच शुरू की। इसी दौरान राजस्थान निवासी तस्कर राजेश शर्मा ओडिशा से राजस्थान गांजा की तस्करी कर रहा था। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा हम सभी को निर्देश दिया गया था कि NDPS एक्ट में और जो नशीली दवाएं हैं और गांजा इत्यादि की तस्करी में हमको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी है, जिस पर लगातार हम लोग चेकिंग पॉइंट्स जो है लगाए हुए थे। मुखबिर तंत्र को स्ट्रॉन्ग किया गया था। उसी बीच हमको चेकिंग के दौरान रतनपुर में एक जो है दूसरी स्टेट की गाड़ी जो है जाती हुई मिली, जिसको रोक करके चेक किया गया तो वो गाड़ी रुकी नहीं, आगे भाग गई, जिसको कि पीछा करके रोका गया रतनपुर पुलिस की टीम के द्वारा। और उसको चेक किया गया तो उसमें लगभग एक क्विंटल गांजा हमको मिला, जो कि HR पासिंग गाड़ी थी। और लगभग जब उसको तौल किया गया तो 101 किलो गांजा उसमें था, अलग अलग पैकेट्स में। और एक आरोपी जो कि गाड़ी में जा रहा था, राजेश शर्मा नाम का है, जो कि राजस्थान का रहने वाला है, वह राजस्थान से आया हुआ था और उड़ीसा गया हुआ था। उड़ीसा से वह एक व्यक्ति से जो है गांजा खरीद करके लाया था और वापस राजस्थान में दूसरे व्यक्ति के पास गांजा बेचने के लिए जा रहा था। रास्ते में पुलिस की सक्रियता से उसकी धरपकड़ की गई। हमने NDPS की धारा 20B के तहत इसमें अपराध पंजीबद्ध किया है और 101 किलो गांजा और स्विफ्ट डिज़ायर कार थी, उसको हम लोगों ने जब्त किया है। आगे इसमें और इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। इसमें संलिप्त जितने भी लोग हैं सभी की हम शीघ्र गिरफ्तारी करेंगे और इसका इन टू इंड इन्वेस्टिगेशन जैसा शासन का निर्देश है हम करेंगे और सभी संलिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पूरे प्रकरण में लगभग 20 लाख का मशरूका जब्त किया गया है।